गोड्डा के पुष्पांजलि के निकट ब्लू स्टार कमेटी की ओर से आयोजित सरस्वती पूजा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान मां के आंखों से आंसू गिरने का दावा किया गया है। कमेटी के सदस्य और पंडित की माने तो मां के प्रतिमा का विसर्जन का वक्त था, आरती की जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि मां के प्रतिमा के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। पंडित मनोज ठाकुर का दावा है कि जब आरती किया जा रहा था उसी दौरान आंखों से आंसू देखे गए। उन्होंने कहा कि जहां भी मन से मां की पूजा की जाती है और बेटी जब अपने घर से विदा होती है तो वो भावुक हो जाती है और उसी का ये प्रमाण है। आपका क्या है इस मूर्ति का? मेरा दावा है कि आप जब किसी भी देवी देवता, हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता का आप अगर पूजन करेंगे भावपूर्ण हृदय से, तो अपना तो आंसू निकलता ही है और माँ का भी आंसू निकला है, ये यही सच्चाई है। आप देखे थे आंसू गिरते हुए? आप देखे थे वहाँ जो वो चिन्ह दिखाई पड़ा आँख में, तब मैंने बच्चे सबको बोला, सब तो यही है, सब आरती करा रहे थे कि देखिए माँ, बाबू लोग देखिए, आपका सौरभ सब, शुभम सब देखिए, आंसू जो है माँ का नजर से गिर रहा है, माँ जो है अपने ससुराल से, अब मैके की मैके से ससुराल जा रही है। तो हो तो सकता है कि पानी उनी पड़ गया? नहीं, पानी तो कोई नहीं दिया, इसे कोई पूजा नहीं किया, उस समय तो आंसू ही गिर रहा था। अब इसका तो अनुभव हम कर सकते हैं, हम खुद अगर भगवती का पूजा भाव से करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि माँ के अंतर ध्यान में जाने से पहला जो है, पहले आपका रोम प्रफुल्लित होगा, दूसरा अश्रु बिंद गिरने लगेगा, आत्मा पुलकयमान हो जाएगा, यही है भगवती की सच्चाई। कितना देर शुद्ध भाव से आप पूजा करेंगे? कितना देर से ये गिर रहा है? मैंने वही सुबह कब जाते 11 बजे से ऐसे ही है, सूखा नहीं है 11 बजे बाद? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ, पूजा कराते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या लगता है मिट्टी से कैसे आंसू निकलेगा? हाँ, ये तो माँ का एक स्वरूप है, वो एक झलका के चली दृष्टि से आपका आस्था बोल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये तो वैज्ञानिक ही बता नहीं, ये भाव से करने के बाद हमारा आपका भी आंसू गिर सकता है। मिट्टी से आंसू आप वैज्ञानिक? मिट्टी नहीं है वो मूर्ति है, माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें, खुद साक्षात आके वो बैठी है, साक्षात स्वरूप है माँ की। सारे जितने, मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ, वेदाचार्य और अधिवक्ता भी है। पंडित के दावे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ पूजा पंडाल में बढ़ने लग गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि पंडित जी जब ऐसा कह रहे हैं तो इसे अंधविश्वास नहीं माना जा सकता, यकीनन इसमें सच्चाई होगी। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। क्या दावा है आप लोग का, क्या देखे आप लोग? हमारे पंडित जी जब ऐसा बात बोले तो हम लोग का रोम रोम सब खड़ा हो गया, क्योंकि हम काम करते हैं, काम छोड़ के आए पंडित जी के कथन के अनुसार। तो देखे आप? हाँ, मैं अपने क्या देखे से देखा। क्या देखे? ये हमारी मैया जो है सरस्वती मैया के आंख से आंसू जो है वो गिर रहा। हालांकि जिला टॉप की टीम आंसू गिरने की बातों की पुष्टि नहीं करती। प्रतिमा के आंखों के नीचे का सतह गीला जरूर था, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना था कि किसी भी तरीके का पानी का छिड़काव मूर्ति पर नहीं किया गया है, अगर पानी का छिड़काव भी किया जाता तो कुछ घंटे में वो खत्म हो जाता, पर घंटों बाद भी वो आंसू खत्म नहीं हो रहे थे।